मैं हूँ अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। SSLC एग्जाम रिजल्ट्स अनाउंस, उड़पी नंबर 1 तो यादगीर को मिला आखिरी मकाम। रेवन्ना को 7 दिन की जेल, कैदी नंबर 4567 बने प्रज्वल के पिता। BDA कॉम्प्लेक्स बनेंगे अब मॉल, सरकार का बड़ा प्लान। शहर की गलियों में हाथी की वॉकिंग, लोग देखकर परेशान। सुनसान घर में बच्चों की सांसें रोकने वाली टोली गिरफ्तार। ओरिजिनल ब्रांड पॉकेट में नकली सामान बेचने वाली गैंग गिरफ्तार। पास हो या फेल, 3 बार मिलेगा चांस, स्टूडेंट्स ना करें फिक्र। बेलगाम में कांग्रेस के खिलाफ JDS की हड़ताल। प्यार की शादी, परिवार नाराज, भगवा संगठनों की हड़ताल, पुलिस का लाठी चार्ज। अब खबरें विस्तार से। SSLC एग्जाम रिजल्ट अनाउंस, उड़पी नंबर 1 तो यादगीर को मिला आखिरी मकाम। साल 2023-24 एकेडमिक ईयर के SSLC एग्जाम के रिजल्ट्स का ऐलान 225 के 225 मार्क्स लेकर बागलकोट जिला मुधोड़ की अंकिता कन्नूर बनी राज्य की टॉपर। तोड़पी जिला में 94% हुआ है रिजल्ट SSLC का। दूसरे नंबर पर दक्षिण कन्नड़ा, तीसरे मकाम पर शिमोगा। इस बार भी यादगीर आया है आखिरी नंबर पर। 8,80,048 बच्चों में 6,224 स्टूडेंट्स हुए हैं इस बार पास, जिसमें इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी। 2,86,416 लड़के तो 3,43,788 लड़कियां हुई हैं पास। पूरे राज्य का 73.40 हुआ है परसेंटेज रिजल्ट। रेवन्ना को 7 दिन जेल, कैदी नंबर 4567 बने प्रज्वल के पिता। सेक्सुअल हरेसमेंट और सेक्स स्कैंडल के मामले का सामना कर रहा बेटा प्रज्वल फरार, तो किडनैप के मामले में गिरफ्तार बाप रेवन्ना को जेल की सजा। HD रेवन्ना की SIT कस्टडी की मियाद पूरी होते ही कोर्ट में पेशी के बाद रेवन्ना को परप्पन अग्रहार जेल में भेज दिया गया 7 दिन के लिए कोर्ट कस्टडी में। BDA कॉम्प्लेक्स बनेंगे अब मॉल, सरकार का बड़ा ऐलान। BDA बड़े बड़े मॉल्स के साथ मुकाबला करने के लिए आगे आया है। पिछले 7 साल से सरकार की परमिशन के इंतजार में रहे बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिला है ग्रीन सिग्नल। पुराने BDA कॉम्प्लेक्स को गिराकर हाईटेक मॉल निर्माण का होगा काम, जो शहर के RT नगर, विजय नगर, इंदिरा नगर, सदाशिव नगर, HSR लेआउट, कोर मंगला में इन मॉल्स को बनाया जाएगा BDA की ओर से, जिसके चलते कई सालों से यहां पर किराए पर रहे लोग हैं नाराज। तो नए मॉल में 60 साल के लीज पर अलॉट किए जाएंगे इनको दुकान। शहर की गलियों में हाथी की वॉकिंग, लोग देखकर परेशान। चिकमंगलुरु शहर में आज सुबह सवेरे अकेले गलियों में घूम रहे जंगली हाथी को देखकर शहर के लोग परेशान। जयनगर तोगोरे गांव में जंगली हाथी की एंट्री से आतंक मच गया लोगों में। घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं लोग, जिन्होंने घर में ही बैठकर रिकॉर्ड किया हाथी के गलियों में वॉकिंग करने का नजारा। जिसको रोकने के लिए फॉरेस्ट विभाग को जानकारी दी गई तो पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है विभाग। सुनसान घर में बच्चों की सांसें रोकने वाली टोली गिरफ्तार। मंडिया वो इलाका है जहां इतनी चौकसी और सख्त कानून के बावजूद भी नहीं रुक रहा है दुनिया में आने से पहले ही बच्चियों की सांसें रुकवाने का काम, भ्रूण हत्या। लड़का या लड़की का पता लगाकर दुनिया में आने से पहले ही सांसें रोकने वाली गैंग गिरफ्तार। इन इलाकों में अक्सर दुल्हा बनने की उम्र में नहीं मिलती कोई दुल्हन, दुल्हा ही सब कुछ देने के लिए तैयार पर नहीं दी जाती दुल्हन। मंडिया के अक्सर गाँव
में नौजवान लड़कों का यही हाल, भगवान के आगे दुल्हन मिलने के लिए बगैर चप्पल के मांगी जाती है यहाँ पर मन्नतें। भगवान के दर्शन तो माता टेकने पर भी नहीं मिलती इन्हें दुल्हन, इसलिए इस तरह के घिनौना काम करने वाले ज्यादा ही पनप रहे हैं। गैंग जिनको मिल रहा है कुछ लालची, हेल्थ विभाग वालों का भी साथ। ओरिजिनल ब्रांड पॉकेट में नकली सामान बेचने वाली गैंग गिरफ्तार। पिछले 5 साल से असली ब्रांड थ्री रोज सर्फ एक्सल, रिन, रेड लेबल, गुड नाइट, फेविक्विक, हार्पिक, कॉलिन ऐसे कई ब्रांडेड कंपनियों के पॉकेट में नकली सामान के बाजार का पर्दाफाश किया है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की ओर से की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीसीबी पुलिस ने शहर के विल्सन गार्डन के गोदाम, रामापुर, बैडरहल्ली में शिवा पाटिल, दौलत सिंह, शुभम और मनीष को गिरफ्तार करके लाखों का असली ब्रांड में रखा नकली सामान सीज किया है। सीसीबी पुलिस ने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। पास हो या फेल, 3 बार मिलेगा चांस, स्टूडेंट्स ना करें फिक्र। कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड की ओर से आज एसएसएलसी एग्जाम रिजल्ट्स का ऐलान किया गया। जो बच्चे फेल हुए हैं उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन बच्चों को मिलेंगे साल भर में 3 चांस। आपका भविष्य नहीं होगा बर्बाद, तो हो जाए बच्चे रिलैक्स। बेलगाम में कांग्रेस के खिलाफ जेडीएस की हड़ताल। बेलगाम जेडीएस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रज्वल रेवन्ना पेनड्राइव को रिलीज करने के पीछे डीके शिवकुमार का हाथ बताते हुए सीएम और डेप्यूटी सीएम की तस्वीरों को लातों और चप्पलों से मार मार के अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में नाकाम हुई है और रेवन्ना की गिरफ्तारी सियासी दुश्मनी की साजिश करार दिया प्रदर्शनकारियों ने। प्यार की शादी, परिवार नाराज, भगवा संगठनों की हड़ताल, पुलिस का लाठी चार्ज, ये सब हुआ है बागलकोट शहर के नवनगर नगर सभा के सामने। कल रात 2 अलग-अलग जातियों के प्रेमियों में प्यार करके शादी कर ली, इस पर रुबीना के लापता होने की शिकायत परिवार ने पुलिस थाना में दर्ज करवाई तो मानतेश के समर्थन में उतरे भगवा संगठन। पुलिस ने कहा कि परिवारों को बुलवाकर किया जाएगा मामले का हल, कहने से पुलिस पर ही भड़के भगवा संगठन। इसी बीच पथराव करके माहौल बिगाड़ने लगे प्रदर्शनकारी तो खुद जिला एसपी अमरनाथ रेड्डी को संभालना पड़ा मैदान। बहस के दौरान बेकाबू भगवा लीडरों को थप्पड़ और लाठी मारकर भगाना पड़ा पुलिस को। 3 की गिरफ्तारी तो रात में ही रिहा करने की बात आई है सामने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।